स्टार्ट होने का रैंक कौन सा है, डीटीसी रैंक। तो अब जैसे मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, डीटीसी रैंक पे 50 ग्राम सिल्वर कॉइन मिलेगा विद एमआई लोगो, जेडटीसी रैंक पे 1 ग्राम गोल्ड मिलेगा विद एमआई लोगो, एसटीसी रैंक पे बेसिक लैपटॉप मिलेगा, और अगर किसी को हाई एंड लैपटॉप चाहिए तो 25,000 फंड ले लेगा, बाकी का अपनी जेब से डालेगा। तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन 25,000 या बेसिक लैपटॉप जो भी इसको समझ में वो कर सकता है। एमराल्ड रैंक कोई लेगा उसको बाइक का फंड मिलेगा 40,000। अब 40,000 लेने के बाद बाकी जेब से डाल के वो बाइक ले सकता है, कंपनी की तरफ से 40,000 फंड मिल जाएगा जब वो एमराल्ड रैंक अचीव करेगा। आरटीसी रैंक कोई लेगा तो आरटीसी रैंक अचीव करने पर जो अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा वो 293 डेज का डोमेस्टिक ट्रिप वो मैनेजमेंट देगा आपको, प्लेस डिसाइड होगी, या तो आप वो ट्रिप पे चले जाओ कंपनी स्पॉन्सर्ड, या फिर आप उसकी जगह पे 50,000 फंड ले लो, ये आपके ऊपर है आरटीसी रैंक अचीव करने के बाद। कोई गोल्ड रैंक अचीव करेगा तो उसको डोमेस्टिक ट्रिप 293 डेज की, या तो डेस्टिनेशन जो बताए जाएंगे उधर वो चले जाए, कंपनी स्पॉन्सर करेगी। इसके अंदर स्पॉन्सर कंपनी नॉर्मली क्या करती है, जाने का, आने का, रहने का, खाने का और घूमने का, या फिर इसके बदले में वो 80,000 फंड ले ले अगर गोल्ड रैंक अचीव करता है तो। इसके बाद है हमारा एनटीसी रैंक। एनटीसी जो भी नया बनेगा रैंक वो अचीव करेगा तो 394 डेज का उसको इंटरनेशनल ट्रिप, जो कंट्री कंपनी बोलेगी वहां जाना, रह के आना 3-4 दिन के लिए, खाना पीना घूमना, या फिर उसकी जगह पे 75,000 फंड ले ले, या तो वो टूर चला जाए या 75,000 रुपए ले ले, चॉइस उसकी है। प्लेटिनम रैंक कोई लेगा तो उसको 394 डेज का इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगा, डेस्टिनेशन कंपनी डिसाइड करेगी, या तो वहां चला जाए या फिर 1,25,000 रुपए एज अ फंड इसके बदले में वो ले सकता है। तो ये है अवार्ड रिवॉर्ड रैंक वाइज जो जो मिलेंगे। अब आते हैं कि इसको अचीव करने के लिए कंडीशंस क्या है। तो देखिए दो टाइप के लोग आज मीटिंग सुन रहे हैं। फर्स्ट टाइप जो 16-11 से ज्वाइन हुए डिस्ट्रीब्यूटर, और एक जो लास्ट फ्राइडे 15-11 से पहले ज्वाइंट है, जो भी रैंक बने। तो दो कैटेगरी आज मेरे सामने जो सुन रही है, एक है जो अभी ज्वाइन हुए 3-4 दिन पहले आफ्टर फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद, और उसके पहले वाले लोग। तो जो ज्वाइनिंग जिनकी सैटरडे से है, ये जो गया है 16-11 से जिनकी ज्वाइनिंग है, डिस्ट्रीब्यूटर है आज, अगर उसको डीटीसी का लेना है तो उसको 22 वीक्स यहां से चालू हो गया, ये पहला हफ्ता है उसका डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे जो शनिवार को ज्वाइन हुआ। 22 वीक्स इसको मिलेंगे डीटीसी रैंक अचीव करने पे। अगर इसने 22 वीक्स में अचीव किया तो इसको मिलेगा 50 ग्राम सिल्वर कॉइन। तो 22 वीक्स के अंदर इसको ये डीटीसी रैंक अचीव करना, अगर ये नहीं कर पाता तो ये अवार्ड के लिए एलिजिबल है। तो इसको 22 हफ्ते के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर को आज से लेके 22 हफ्ते के अंदर अगर वो 16-11 के बाद ज्वाइन किया तो उसको वो 50 ग्राम सिल्वर कॉइन मिलेगा। अब समझ लीजिए इसने सिल्वर कॉइन 22 हफ्ते के अंदर अचीव कर लिया, डीटीसी रैंक ले लिया। अब इसका नेक्स्ट रैंक जो ये लेना चाहेगा वो है जोनल टीम कोऑर्डिनेटर का। अब जोनल टीम कोऑर्डिनेटर में आप स्क्रीन पर देख रहे हो आगे लिखा हुआ 35 वीक्स। तो 35 वीक्स का मतलब है 22 वीक्स डीटीसी लेने के माइनस होंगे 35 में से, बाकी बचे 13 वीक्स। तो ये 13 वीक में डीटीसी का सिल्वर कॉइन लेने के बाद 13 वीक के अंदर उसको जेडटीसी बनना है, और जैसे ये 13 वीक के अंदर जेडटीसी का अचीवमेंट करता तो ये 1 ग्राम सिल्वर कॉइन लोगो जो गोल्ड का है वो ले सकता है। अब इससे ये और आगे बढ़ता है, मैंने जेडटीसी का भी कर लिया, अब बोलता है मेरे को एसटीसी का भी चाहिए। तो 35 माइनस 50, 15 वीक के अंदर जेडटीसी से एसटीसी बनेगा, इसको 25,000 रुपए का बेसिक लैपटॉप मिलेगा। इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा उस हिसाब से इसका क्राइटेरिया, पहले का माइनस होते हुए आगे का क्राइटेरिया। तो ये हो गया जो लोग 16-11 के बाद से ज्वाइन हुए। इसमें एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, सपोज कोई डिस्ट्रीब्यूटर आज का समझ लीजिए 20 हफ्ते के अंदर डीटीसी बना तो ये 22 से पहले ही बन चुका है, तो ये वहां पे एलिजिबल हो गया सिल्वर कॉइन के लिए। अब इसके 2 वीक जो है इसने बचाए तो ये 2 वीक इसके जेडटीसी अचीवमेंट में ऐड हो जाएंगे। 15 वीक वैसे मिल 13 वीक मिलता 22 माइनस 35, पर 20 में किया है तो अब 20 माइनस 35 काउंट होगा। अगर ये 18 में अचीव करेगा तो 18 माइनस 35, अब उसको उतने वीक के अंदर जेडटीसी करना है। अब जेडटीसी अगर समझ लीजिए इसने 30 डीटीसी भी कर लिया, जेडटीसी 30 वीक में किया, अब इसको एसटीसी 50 वीक में खत्म करना, 30 माइनस 50। तो जिस वीक में ये अचीव करता है बाकी के जो वीक जो उसने कम लिए उतने उसके आगे के टारगेट में उसको और टाइम मिलता है। तो ये चीज समझने वाली है, ये लोग आप समझ गए होंगे। तो ये 2 कंडीशन है अवार्ड रिवॉर्ड जो सैटरडे से ज्वाइन हुए माई लाइफ स्टाइल में।
अब जो लोग सैटरडे से पहले एग्जिस्टिंग लोग, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर होने दो, एग्जिस्टिंग टीसी होने दो, एग्जिस्टिंग एटीसी होने दो, एग्जिस्टिंग डीटीसी भी होने दो, ये चार रैंक, ये लोग थे फ्राइडे के पहले, फ्राइडे तक ये लोग ये रैंक पे, कोई ना कोई लोग आज मेरे इस मीटिंग को सुन रहे हैं। अब उनके लिए अवार्ड रिवॉर्ड समझ लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे टीसी हो, चाहे एटीसी हो, चाहे डीटीसी हो, उसको ये वीक से लेके डीटीसी का रिवॉर्ड लेने के लिए, डीटीसी को भी ही डीटीसी ले सकता है, उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसको ये फ्राइडे से लेके आने वाले 22 हफ्ते के अंदर उसको 7.5 लाख बीवी, जो एक डीटीसी बनने के लिए करना पड़ता है मैचिंग, वो 7.5 लाख उसको बीवी मैच करने है। मतलब जब वो 7.5 लाख बीवी आज से एग्जिस्टिंग शुक्रवार के पहले का डिस्ट्रीब्यूटर हो, टीसी हो, एटीसी हो, डीटीसी हो, अब से लेके 22 हफ्ते में अगर 7.5 लाख फ्रेश बीवी ये जनरेट या मैच करता है, तो ये डीटीसी के 1 ग्राम सिल्वर कॉइन लोगों शुक्रवार या उससे पहले के ज्वाइन किए हुए लोग ले सकते हैं। अब यही कैटेगरी 22 हफ्ते की जगह 20 हफ्ते में करेगी तो सेम वही क्राइटेरिया इसका अब आगे लागू हो जाएगा, -20, 15 हफ्ते में इसको ZTC का करना। तो इसमें एक चीज समझने वाली है कि जो आपका 2 लाख का रैंक एडवांसमेंट है वो मंथली बेसिस पे होगा, अवार्ड रिवॉर्ड वीकली बेसिस पे अलग से चलेगा, इसका कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं रैंक चेंज होते रहेंगे, और आज का जो हफ्ता है उसका पुराना रैंक क्या है वहां से इसका मीटर चालू होगा अवार्ड रिवॉर्ड के लिए। अब एग्जाम्पल की है, जो आने वाले मंथली में ZTC बन जाएगा, DTC है, इसको DTC रैंक के लिए बाय लेगा, भले ही अगले मंथली कट ऑफ में ZTC बन जाए, और जब भी ये DTC का कंप्लीट कर लेगा 22 से पहले पहले या 22 को, इसको वो सिल्वर कॉइन मिलेगा, और ZTC के लिए इसको फिर वो 13 हफ्ता आगे करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसी अगर आज कोई ZTC है तो उसका काउंटडाउन ZTC बनने के लिए 15 लाख बीवी जो मैच करना है उसको 35 हफ्ता मिलेगा, इस हफ्ते से लेके 35 हफ्ते के अंदर उसको फिर से 15 लाख बीवी मैच करेगा, तो ZTC का ले सकता है। इस बीच में अचीव करने में वो STC बन जाए 2 लाख का, कोई तकलीफ नहीं है, वो अलग चल रहा है मीटर, ये वाला एक अलग चलेगा। अगर ये 35 से पहले 30 हफ्ते में मैच कर लेता है तो अगला रैंक जो STC है उसको उसका अवार्ड रिवॉर्ड लेने के लिए अब उसको 35 -50 ये हो गए 15, और 30 में अचीव किया तो 5 इधर का बैलेंस, 20 हफ्ता इसको मिलेगा STC का लेने के लिए। तो 2 लाख का जो मंथली कट ऑफ का रैंक है वो चलता रहेगा, यहां से जो मीटर चालू होगा ये अलग तरीके से चालू होगा। तो यहाँ भी जितने भी लिखे हुए रैंक है वो लोग एग्जिस्टिंग रैंक का फिर से कर सकते हैं, जैसे STC भी कर सकता है, इसके नीचे के रैंक का कोई नहीं कर सकता, इसके हाइयर रैंक का कर सकता है। कोई बोलता है STC नहीं सर, या ZTC बोलता है कि नहीं सर मेरे को STC का करना है, ZTC का भी लूंगा, STC का भी लूंगा, तो उसको दोनों ऑप्शन है, पहले वो ZTC का 35 हफ्ते में खत्म करे और 15 हफ्ते में STC का कर ले, उसका भी काउंटडाउन यही हफ्ते से चालू है। तो ये है अवार्ड रिवॉर्ड, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट, आप देखिए ये जो बैनर है ना ये आपको वेबसाइट पे दिख रहा है, पर इसमें कुछ एक गड़बड़ है, उसको आप सुनना मत, जो मैंने आपको बताया हुआ है, और ये आपका ठीक होके मे बी कल दोपहर तक वेबसाइट के ऊपर करेक्टेड वाला आएगा, पर जो मैंने बताया वही उधर आने वाला है। आप इसको फोटो खींच के कंपेयर करेंगे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने जैसे समझाया आ गया, और उसके बाद कल आप वेबसाइट में देखना, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो फिर आप अपने लीडर्स को बोलना, कोई भी लीडर मेरे को जो डायरेक्ट टच में है वो मेरे से बात कर सकता है, मैं और भी क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। तो ये हो गया अवार्ड रिवॉर्ड, तो पहला हो गया मिनिमम रिपर्चेस, दूसरा हो गया अवार्ड रिवॉर्ड, और थर्ड अब है जो कॉन्टेस्ट। तो यही सैटरडे से कॉन्टेस्ट भी लॉन्च हुआ, वो है हमारा थाईलैंड का कॉन्टेस्ट, और ये है 3 नाइट 4 डेज का। इसका टर्म्स कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये है इसका टर्म्स कंडीशंस, ये सब आप लोग तक पहुंच गया होगा मेरे हिसाब से, नहीं तो वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर 3,75,000 बीवी 16 वीक में मैच करेगा, 16 वीक का, तो पहले ये ध्यान रखिए, आज तक मैनेजमेंट में जितने दिए ना वो 12 वीक के दिए हैं, ये पहला ऐसा कॉन्टेस्ट है जो 16 वीक का माइलस्टोन मैनेजमेंट दे रहा है। तो इसका हमको पूरा फायदा उठाना है कि 16 वीक का मिल रहा है, तो 16 वीक के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर को 3.75 BV मैच करना है, TC को 6 लाख, ATC को 8 लाख, DTC को 12, 18, 30 और RTC तक 50, ये इंडिविजुअल रैंक पे इन लोगों को करेंगे तो थाईलैंड अचीवर बनेंगे। ये कौन लोग?
जो वुमेन कैटेगरी में नहीं आएंगे और यूथ प्रेनर्स में नहीं आएंगे, तो एक कैटेगरी अब अलग से बनाई है वुमेन के लिए, वुमेन 18 साल से ऊपर और अपर एज लिमिट कोई नहीं है, मिनिमम 18 साल की होनी चाहिए, तो वुमेन प्रेनर्स बोल के माइलस्टाइल में आएगी और वो कॉन्टेस्ट अचीव करने के लिए उसको थोड़ा कंसेशन या डिस्काउंट दिया गया है। तो कितना मिलेगा, तो जो नॉर्मल कैटेगरी है 3.75, तो जो लेडी होगी उसको 3.5 ही करना है, मतलब 75,000 का कंसेशन है, उसको 3.5 लाख को मैच करेगी। और सेम क्राइटेरिया सेम टारगेट यूथ के लिए, तो यूथ कौन है, यूथ किसको बोला जाएगा, यूथ उसको बोला जाएगा जो ये सैटरडे, जो पिछला सैटरडे या 16/11, तो 16/11/1999 के बाद पैदा हुए जितने लोग हैं, 2000 2001 से लेके 18 साल से बाद वाले, ये सब यूथ में आएंगे। तो आज 2024 चल रहा है, नवंबर चल रहा है, तो 18 साल का अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो 18 साल का उसका कौन सा एज होगा, उसका एज होगा 2006 के आसपास। तो 2006 से पहले और 99 के आगे जितने भी लोग हैं वो यूथ में आएंगे, लेडीज जो है वो वुमेन में आ जाएंगी, जितने आदमी लोग हैं वो यूथ में आ जाएंगे, कौन से वाले, जो 99 के बाद पैदा हुए नवंबर के बाद। तो आप दिस सेफ्टी के लिए दिसंबर पकड़ लो, या एग्जैक्ट के लिए चाहिए तो 16 नवंबर के बाद जो भी पैदा हुआ वो यूथ में आ जाएगा। तो जो वुमेन को दिया वही यूथ को दिया है, ये आपका बैनर है, ये क्राइटेरिया है, और 3 नाइट 4 डेज का ये टूर होगा, और बैंकॉक पटाया लेके जाएंगे। तो इसका नाम है चलो थाईलैंड, ये हमारा बैनर का नारा है और ये क्राइटेरिया है। टर्म्स कंडीशन मैंने आपको जो यहाँ पे बताया है वो उधर भी जो मैंने बताया वही इधर लिखी हुई, सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है, प्रॉक्सी आईडी। प्रॉक्सी आईडी मतलब कैसे, कि एक आदमी अपनी बीवी के नाम से आईडी लेके खुद काम कर रहा है और फिर उसकी बीवी जो काम नहीं कर रही है उसको मेन का ही टारगेट लगेगा। तो ये नहीं है कि मैं वुमेन के नाम से आईडी और मैं 3.50, वो हम पता करेंगे, वेरीफाई करेंगे और उस हिसाब से उसको करेंगे। और जाएगा कौन, जो वाकई में जिसके नाम पे आईडी है, वुमेन जो काम कर रही है वही जाएगा। अगर कोई वुमेन काम कर नहीं कर रही और हस्बैंड काम कर रहा है तो वो वाला बड़ा वाला टारगेट अचीव करेगा और हस्बैंड जाके आ सकता है, पर वो चीज इंटीमेशन पहले ही आप मेल पे दे दीजिए ताकि बाद में कॉम्प्लिकेशंस ना आए, ताकि ये वेरीफाई हो जाए कि वाकई में हस्बैंड काम कर रहा है लेडीज की आईडी पे या लेडीज खुद काम कर रही है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। एयरपोर्ट्स वगैरह कंपनी डिसाइड करेगी, डेट वेट वो सब ठीक है, और पासपोर्ट जिन जिनके पास नहीं है वो सब बना लेना। तो ये हमारा थाईलैंड का कंडीशंस, इसके भी फाइनल पॉइंट्स आपको चाहिए तो आप पूछ लेना अपने लीडर्स के थ्रू, मैं सब बता दूंगा। अब हम चलते हैं कि क्यों ये जो अनाउंसमेंट हुई है अवार्ड रिवॉर्ड की और थाईलैंड कॉन्टेस्ट की, प्लस यहाँ पे जितने भी यहाँ पे गुजरात के लोग हैं और जितने भी यहाँ पे महाराष्ट्र के लोग हैं, गोवा के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, एमपी के लोग हैं, खासकर इनके लिए जहाँ पे MI उड़ान योद्धा का प्रोग्राम चल रहा है, उन सब के लिए दोनों चीज क्यों जरूरी है, जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों ये जो 16 हफ्ते है ये आपके लिए माइलस्टाइल के अंदर दिवाली का काम करेगा। ये अभी आपका फेस्टिवल चालू है और इस फेस्टिवल को आप दिवाली का नाम दे सकते हैं। 16 हफ्ते की दिवाली चल रही है, अगर मैंने इस दिवाली में सही तरीके से इसको एंजॉय करते हुए पटाखे नहीं छोड़े तो मेरे लिए कोई दिवाली नहीं है, ये होली बन रही रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि 16 हफ्ते अगर आप सीरियसली माइलस्टाइल में एज ए कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये 16 हफ्ते आपको सारी आपकी चीजें साइड में छोड़ के सोली सोलली मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्टेस्ट के ऊपर भागना है। आप एक कॉन्टेस्ट के ऊपर भागेंगे तो आप अवार्ड रिवॉर्ड विनर भी बनेंगे और आप MI योद्धा भी बनेंगे, दुनिया भर के कार्यक्रम हो जाएंगे। तो मेरे को अब 16 हफ्ते सिर्फ और सिर्फ चलो थाईलैंड करना है। तो अब क्या करना और कैसे करना, थोड़ा उसके ऊपर चलते। तो देखिए, कोई भी कॉन्टेस्ट अचीव करना है तो सबसे पहले होता है कि दिमाग के अंदर मेरे आना चाहिए कि वाकई में मुझे थाईलैंड जाना है, और एक बार ये दिमाग में आएगा तो फिर बॉडी उस हिसाब से काम करती है। तो एक हमारा दिल जो बोलता है कि हमको दुनियादान की चीजें चाहिए, और एक हमारा दिमाग जो हमको बोलता है ये सब फालतू की बातें हैं। तो ये आपका कभी भी दिल जो बोलता है वो होने वाला नहीं है, अगर दिमाग एग्री नहीं करेगा। और दिमाग जिस चीज पे एग्री कर गया तो बॉडी ऑटोमेटिक फॉलो करेगी, दिल भी फॉलो करेगा, बॉडी भी ऑटोमेटिक फॉलो करेगी। तभी तो कुछ लोग ज्यादा अचीव कर लेते हैं उसी शहर में उन्हीं सर्कमस्टेंस में, कुछ लोग नॉर्मल लाइफ जीते। फर्क क्या है, उनके माइंड में वो क्या लेके चल रहे हैं वो फर्क है। लाइफ मेरी कैसी रहेगी वो मेरा माइंड डिसाइड करेगा। तो अब मेरे को कॉन्टेस्ट अचीव करना है, तो इस पूरे जो मेरा प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं
अगर उसने दिमाग में डाल लिया कि मुझे तो थाईलैंड कॉन्टेस्ट विनर बनना ही बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत अब रोक नहीं सकती, अब बॉडी पूरा साथ में जाएगा। पर जो बॉडी से बोल रहा है मुझे जाना है, अब जैसे मैं अभी यहाँ चैट बॉक्स में पूछूंगा कितने लोग थाईलैंड जाना चाहते हैं, दुनिया भर के लोग अभी लिखने वाले हैं, आप लिखिए किन किन लोगों को थाईलैंड जाना है, लिखिए मेरे को थाईलैंड जाना है। तो अगर ये दिल से आवाज आ रही है और दिमाग में अगर ये चल रहा है यार होगा नहीं होगा, तो ये होने वाला नहीं है। अगर आप लिख रहे हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसको डालना है, क्योंकि वहां एक बार डल गया तो ये थाईलैंड भागने के लिए रात को भी भगाएगा, फिर बाकी सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा जिंदगी में 16 वीक में करना क्या है, थाईलैंड अचीव करना है। ये चीज जो फोकस आता है वो फोकस कौन देता है, बॉडी नहीं देती, माइंड देता है। तो दो एस्पेक्ट होते हैं कॉन्टेस्ट अचीव करने के, होता माइंड, और माइंड में अगर आपने डाल लिया तो बॉडी अपने आप आपका फॉलो करने वाला है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे लोग कॉन्टेस्ट अचीव करते हैं, कि वही चीज कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है उसी सर्कमस्टेंसेस में, और कुछ लोग मतलब 4 महीना छोड़ो 3 महीने के अंदर अचीव करके दिखा देते हैं, उन्हीं उसी एरिया के लोग, उसी रैंक के, उसी टाइप के लोग। तो बेसिकली जो कहा जाता है कि आप पहले सोचिए और फिर दिल से उसको चाहिए कि ये मुझे चाहिए, फिर आप जिद पे आइए दिमाग में मुझे चाहिए ही चाहिए, और ये आपको मिल जाएगा। तो ये आपने बहुत सारे शेर व शायरी भी सुनी होगी, बहुत सारे डायलॉग भी सुने होंगे कि जो दिमाग चाहता है वो हो सकता है। लोग कुछ लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, कुछ लोग 3 माले नहीं चढ़ पाएंगे। फर्क क्या है, दिमाग का। दिमाग में बैठ गया तो शरीर अपने आप सारे काम हमको करवा के दे देगा। तो व्हाट बॉडी अचीव्स, मतलब जो माइंड बिलीव करेगा वही बॉडी अचीव करेगी, आप ये पकड़ के चलिए। तो आज आपको क्या करना है, अपने दिमाग के अंदर इसको डालना है, और जब तक ये दिमाग में घुसेगा नहीं ये कॉन्टेस्ट आपसे होने वाला नहीं है। दिमाग में जिसके घुस गया वो कुछ भी करेगा कॉन्टेस्ट विनर बन के निकलेगा। तो ये फर्क होता है विनर में और ऑल्सो रैन में, कि मैंने कोशिश की, कोशिश नहीं मुझे बनना ही बनना है। कोशिश किसको बोलते हैं, मैं तो बन के दिखाऊंगा, अगर एक आदमी कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। वो तो वो जो थॉट प्रोसेस रखता है कि देखिए अभी मैं अगर आपको समझाऊं तो एक ग्लास है वो आधा भरा है तो आधा खाली भी तो है, तो देखने का नजरिया है। वो दिमाग इसको कैसे देखेगा, पॉजिटिव दिमाग वाले देखेंगे चलो आधा तो भरा है बहुत कुछ काम हो सकता है, नेगेटिव जो सोच के दिमाग है वो देखेगा आधा खाली हो।